बहुत खूबसूरत स्पॉट है ये। तो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आए। सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ इस वक्त मौजूद हूँ संगाऊ की पहाड़ी में। आया हूँ दोस्तों के साथ, ये है हमारा दोस्त, पहाड़ी के चोटी से चोटी वहाँ पर चढ़ गया है और बना रहा है चाय। इस तरफ जो है सारे गेरे, वहाँ पर नीचे रबाब मांगी का प्रोग्राम हो रहा है। इस तरफ भी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। अभी जा रहा हूँ दोस्त के पास जहाँ पर ये चाय बना रहे, ये छोटा सा चूल्हा, और ये हमारा दोस्त। इस तरफ भी लोग आए हुए हैं। हाँ, जुम्मे का दिन है और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये नीचे भी कुछ लोग आए हुए हैं। अब इसाक चूल्हे को हवा दे रहा है ताकि गैस बन जाए, पेट्रोल डाल दिए इसमें और अभी ये चाय बनाएगा, दूध पत्ती चाय बनाएगा। देखो थोड़ी तेज और किया और लटका मैंने, अरे कम का कम बस। अभी हम लोगों ने दूध डाल दिया है और चाय बना रहा हूँ एक खूबसूरत जगह पे। हम पहाड़ी के एक बेहतरीन जगह पर बैठ गए हैं और बहुत खूबसूरत स्पॉट है ये, साथ साथ चाय भी बना रहे और लोग भी यहाँ पर आ रहे घूमने फिरने के लिए। संगाऊ से लोग आते हैं और इस तरफ जाते हैं घूमने की तरफ। नीचे जो आप लोगों को लोग नजर आते हैं, ये घूमने के लिए आते हैं और टिकटॉक बनाने के लिए। और इस तरफ है संगाऊ का एरिया। साथ साथ चाय भी बन रहा है, एक खूबसूरत स्पॉट पे खूबसूरत चाय बन रहा है। हमारा चाय बन गया है। और चाय के साथ हम लोग ले आए हैं अपने लिए पकौड़े। ये है पकौड़े जो इसी के साथ हम खाएंगे पहाड़ों में। ये चूल्हा इतने छोटे से पैक में आता है और बस बैग में रख दो और चले जाओ। जहाँ पर खाना पकाना है निकालो, बस खोल दो और खाना पाना पकाओ, फिर बैग में रख दो। छोटा सा चूल्हा है, इसमें आप चाय, खाना, चावल, जो भी चीज़ आप पकाना चाहते हो इसमें आप पका सकते हो। बस टूर के लिए एक बेस्ट चूल्हा है ये वाला, इसको बोलते हैं मल्टी स्टोव प्योर। ये चूल्हा मैंने खासकर विंटर के लिए लिया है। अक्सर बर्फबारी में हम लोग जाते हैं तो फिर खाने बनाने में मसला होता है, आग नहीं चलता, छोटा सिलेंडर होते हैं वो ठंडा हो जाता है, तो इसलिए पेट्रोल का चूल्हा मैंने ले लिया है और विंटर में खासकर ये काम आता है। तो अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर लोग आए हुए हैं ढोल बजाने। हमारा एक दोस्त है वो डांस भी करेगा और कुछ लोग रबाब भी बजा रहे, तो सब वो भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलो फिर चलते हैं नीचे की तरफ, वहाँ पर ढोल और रबाब मांगे बजाता है। तो चलो नीचे की तरफ। ये सारे बच्चे पहाड़ी के ऊपर घूमने के लिए आए हैं, आज जुम्मे का दिन है तो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आए हैं। और मेरा दोस्त आया पहाड़ी पे, पहाड़ी के ऊपर ये टापे, तो यहाँ पर रोड के ऊपर अभी ढोल बज रहा है।
अभी हम निकल रहे हैं रोड के ऊपर ढोल बजा रहे, और अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ जुमटी है वहाँ रबाब मंगी का प्रोग्राम हो रहा है। तो इस तरफ यहाँ पर जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पहाड़ों पे। पहाड़ी से नीचे उतर गए हैं, तो यहाँ पर रबाब मंगी का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं रबाब मंगी का प्रोग्राम। ये सारे लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।